हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनोप्सिस आईएएस। माय नेम इज कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो 2020 का ज्योग्राफी ऑप्शनल का मेंस पेपर वन है, उसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस के सोर्सेस कहां से हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या बताने वाला हूं। इस लेक्चर में मैं बात करूँगा आपको कि कौन सी बुक्स या फिर कौन से सोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो न्यू क्वेश्चंस हैं या जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखकर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता हो व्हाट इज़ हैलोवीन स्टॉर्म, ठीक है। और साथ में ये चीज़ मैं आपको ज़रूर प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शनल इक्वल टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस, प्रोवाइडेड दैट कि आपने स्टैंडर्ड बुक से कवर किया हो, ना कि किसी फालतू सोर्स से। एक क्विक ओवरव्यू अगर हम लेना चाहें तो क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप ये देखो न्यू क्वेश्चन है, डायरेक्टली रिपीटेड नहीं है, लेकिन स्टॉर्म के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपको स्टॉर्म्स के बारे में पता है तो आप जनरल आंसर लिख सकते हो, अनअटेम्प्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो हैजार्ड मैपिंग के ऊपर है, ठीक है, लगातार हैजार्ड मैपिंग से क्वेश्चंस आते रहे हैं, हालांकि न्यू क्वेश्चन है लेकिन इस टॉपिक पर, हैजार्ड मैपिंग पर लगातार क्वेश्चन आए हैं, हम अभी देखेंगे। लास्ट ईयर ही फ्लड मैपिंग के लिए पूछा था क्वेश्चन कि फ्लड की हैजार्ड मैपिंग कैसे करनी है। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है, मैरीन रिसोर्स, इनफैक्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी उनका पहले पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, जो फैक्टर्स हैं ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स यानी कि नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, उसके फैक्टर्स क्या हैं, डायरेक्टली सिलेबस की हेडिंग पूछी है। इससे पहले ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, इस बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, साथ में उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन जो है कि जो लिविंग इन्वायरमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया है, उसको हम कैसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं, लगातार इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया है फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन नॉट रिपीटेड लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप कब तक प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्टली बुक से पूछा है, चार थ्योरीज दी हैं बुक में, उन्हीं की बात करनी है। इवोल्यूशन, कॉन्टिनेंट, ओशियन कैसे है, इसके लिए मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगा, पेड एंड फ्री सोर्सेज सिनॉप्सिस ने दोनों ही प्रोवाइड किए हैं। लास्ट ईयर क्लासरूम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखो, कोरल ब्लीचिंग रिपीटेड क्वेश्चन है, रिकवरी बुक की हेडिंग पूछी है, एंड मैक्रो एल्गल रिजीम शिफ्ट, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है और ये डायरेक्टली बुक में नहीं भी दिया है। ये वही क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे ढंग से या पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर आप इसमें गंदा ही लिख के आओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस बार क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इनफैक्ट जो जीएस भी पढ़ते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा ज़्यादा तो लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए, तो काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम, मोस्टली पेपर टू का क्वेश्चन है लेकिन पेपर वन में पूछ लिया, दो साल से हम देख रहे हैं कि मानसून का क्वेश्चन पेपर वन में देखा। इस तरह से आप देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी का पूछा है फिजिकल वाले पार्ट में, और यहाँ पर मानसून का क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज जीएस से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो रियल में जो इसका आंसर आप ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे वो जीएस में नहीं दिखेगा, ये आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको दिखता है, ठीक है, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर, डायरेक्टली इनके फीचर्स पर बात नहीं की गई, लेकिन ये तो सिलेबस की हेडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जो अपरदन पृष्ठ यानी कि इरोजन सरफेस होते हैं, उनके मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, चार चीज़ें होती हैं इसमें इरोजन सरफेस में जो हमें पढ़नी होती हैं, दो पहले पूछ चुका है, बची थी दो, वो अब पूछ ली हैं, ठीक है। तो ये फ्री नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं ताकि आप मॉडल आंसर देख पाओ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो कि लैंड यूज यानी कि लैंड कवर और सॉइल टाइप, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेज क्वालिटी, ठीक है, कहाँ पर, सेमी एरिड रीजन में। तो अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है, फॉरेज मतलब होगा पास्चर, अगर मैं इसको ये कह दूँ कि पास्चर ग्राउंड से रिप्लेस कर दो, तो आपको ये पता है कि सेमी एरिड रीजन में ही दुनिया के मेजर पास्चर ग्राउंड्स हैं, तो आपको बेसिकली लैंड और सॉइल टाइप इसका डिस्कशन करना है, सेमी एरिड रीजन। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हैजार्ड एंड डिजास्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड एंड डिजास्टर, मतलब ये तो सविंदर सिंह के तीन चैप्टर हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन आप कहाँ देखोगे। तो इन जनरल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो तो ह्यूमन का पार्ट हम अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पर अगर आप फिजिकल की पार्ट करो तो पेपर अटेम्प्टेबल है, ऑल्दो आपको एक न्यू क्वेश्चन ज़रूर दिखता है लेकिन फिर भी अटेम्प्टेबल। इसके लिए मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्री सोर्सेज बताना चाहूँगा, ये सिनॉप्सिस आईएएस है, यहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज में जाकर
आपको कुछ यहाँ चले जाना, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फाइल मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाला हूँ इस लेक्चर में। देन जियोमॉर्फोलॉजी बुक समरी, ये हम बना रहे हैं एंड ये 2021 बैच के लिए फ्री अवेलेबल होने वाली है। फ्री मतलब इतने पहले हम ज़रूर फ्री प्रोवाइड कर देंगे कि एग्जाम में लोग पढ़ पाएँ। साथ में जियोमॉर्फोलॉजी मॉडल आंसर, ये हम दे रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सेम नॉलेज आप कैसे ले जाओगे, ये आपको रखना है। साथ में प्रीवियसली जो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है, सिनोप्सिस आईएएस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, यहाँ पर आप चले जाना। यहाँ पिछले साल के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 21 आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस थे वो रिपीट हुए थे। यहाँ भी मैंने आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चंस बताए थे, पेपर टू में इनफैक्ट ज़्यादा हुए थे, अराउंड 26.5, यहाँ भी विद प्रूफ बताया था। फाइल हमने यही वाली यूज़ की थी जो हमने यहाँ अपलोड की हुई है, ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल, तो यहीं से हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आते हैं पेपर, तो हम यूज़ ये वाली फाइल करने वाले हैं, ये मैंने आपके लिए फ्री अपलोड कर दी है। रीडिफाइंड सिलेबस, ये जो 15 यूनिट है, जियोमॉर्फ, क्लाइमेटो, ओशनो पर्सपेक्टिव, बायोजियोग्राफी, इस तरह से आप देखो इन यूनिट्स में हमने ये सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये सारी यूनिट्स हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हम अगर सर्च करें स्टॉर्म के ऊपर, अगर आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म पूछा है। देन इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो स्टॉर्म सर्जेस यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, अगला क्वेश्चन थंडर स्टॉर्म जो कि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है, अगला क्वेश्चन पूछा हैलोवीन स्टॉर्म पर। तो आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि स्टॉर्म वाले टॉपिक से जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो डस्ट स्टॉर्म हो, स्टॉर्म सर्जेस हो या थंडर स्टॉर्म हो, ये सारे ही टॉपिक करंट अफेयर्स से उठाता है, जो चीज़ न्यूज़ में होती है उसको लेकर स्टॉर्म से क्वेश्चंस पूछें। तो स्टॉर्म से क्वेश्चंस तो पहले बहुत बार पूछे हैं, डस्ट स्टॉर्म भी पूछा है रिसेंटली, ठीक है, लेकिन ये परफेक्टली रिपीटेड नहीं है। आप एक चीज़ देखोगे, दो टॉपिक करंट अफेयर से लगातार पूछता है क्वेश्चन, एक स्टॉर्म से पूछ रहा है एंड दूसरा मॉनसून से। मॉनसून से आप देखोगे इस साल हमने देख लिया कि क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप बुक की बात करो तो इसके लिए जो बुक है वो तो है सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी, वहाँ पर स्टॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। हैलोवीन डायरेक्टली उसका जिक्र नहीं किया गया है। सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी एंड सविंदर सिंह इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो दो बुक हैं, उन दोनों बुक में मिलेगा, राइट। तो एग्जाम मोड में अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे जाओगे, ज्योग्राफिकल नोट ऑन हैलोवीन स्टॉर्म, तो ये अनअटेम्प्टेबल होगा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम मोड में, तो आप इसको लेके परेशान मत हो। लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप स्टॉर्म के जर्नलिस्टिक फीचर तो लिख ही सकते हो, अगर आपको हैलोवीन नहीं पता, स्टॉर्म के बेसिक फीचर्स लाइक डेफिनेशन क्या होती है स्टॉर्म की, ठीक है, स्पीड लिमिट क्या होती है कि विंड की क्या स्पीड है, इतने से इतने पर ये नॉर्मल विंड कहलाएगी, इसके बाद इस रेंज में ये कहलाएगा, इस रेंज में स्टॉर्म कहलाएगा, साइक्लोन कब क्या कहलाते हैं, ठीक है, डिजास्टरस इंपैक्ट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है, ये आप लिख सकते हो। तो नॉट ईजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इसको आपको रिलेवेंट एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस टॉपिक की, तो मैपिंग अगर हम इस फाइल में सर्च करें तो मैपिंग जो आता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड और रेमेडियल मेजर्स इस टॉपिक में आता है। सविंदर सिंह की जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बुक है उसमें तीन चैप्टर दिए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर, तो उन चैप्टर्स में बात की गई है हैजार्ड मैपिंग, तो वहीं से ये जो मैपिंग ऑफ हैजार्ड है, ये जो क्वेश्चन चाहे यहाँ 19 में फ्लड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है और इस बार जियो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए पैराग्राफ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। इनफैक्ट जीएस में भी हमने ये देखा बार बार कि प्रिपेयर्डनेस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में ईजी तो नहीं है, और अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, फालतू के नोट्स पढ़ के गए हो, तो फिर ये आपके लिए एक ईजी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आपने बुक रीडिंग की है तो फिर केक वॉक है, आप 4 से 5 नंबर का डिफरेंस इस 10 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, मैरीन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, उनके एग्जांपल्स के साथ देने हैं। तो अगर हम मैरीन रिसोर्सेज को सर्च करें, तो मैरीन रिसोर्सेज जो टॉपिक है ये हम यहाँ देख सकते हैं, मैरीन रिसोर्सेज बायोटिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पेपर 1 में है। क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा है, यहाँ बोला है कि मैरीन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उनको एग्जाम्पल से बताओ। रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी है, ढंग से पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर 283 में पूछा है, 83 में टाइप एंड यूटिलाइजेशन पूछ लिया है, ठीक है, 86 में पूछा है अकाउंट ऑफ मैरीन रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, यहाँ फिर पूछ लिया, फिर 2009 में पूछा है
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन, यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है लेकिन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की ही बात की है, वही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस बार पूछा है। तो अगर आपने इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा है तो ऑब्वियसली वही आंसर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन मैरीन रिसोर्सेज से डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन एक ईजी पिक है, आपको आराम से करके जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंस कौन से फैक्टर्स करते हैं ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये दो टॉपिक बायोजोग्राफी में दिए हुए हैं। अगर हम इस फाइल में जाएं तो यहाँ बायोजोग्राफी में आपको मिलेगा प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट, तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है। अगर आप सिलेबस की हेडिंग देखो सविंदर सिंह के चैप्टर 10 और 11 में ये प्लांट और एनिमल ये दोनों टॉपिक यहीं से हो जाएंगे, इनफैक्ट जीन पूल सेंटर भी उसी टॉपिक से हो जाएगा, ठीक है। पहले इन्होंने पूछा था फ्लोरिस्टिक किंगडम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, इस बार इन्होंने पूछ लिया कि फैक्टर वाइल्ड प्लांट के लिए इंडिया में क्या है। बुक में पूरे सारे फैक्टर दिए हैं कि आइसोलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, सीड डिस्पर्जल कैसे, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं पूरे 3-4 पेजेस में दिए हुए हैं, वही आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने थे, साथ में उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। इस चैप्टर की हम बुक समरी ऑलरेडी बना चुके हैं, दैट इज इन फाइनल फॉर्मेटिंग, तो ये आपको विद इन 1 वीक, आज 14th है, 20 के पहले पहले आपको ये बायोजोग्राफी पूरी बुक समरी मिल जाएगी सविंदर सिंह और रूपा मेड सिंपल की, तो फ्री ही अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करो, पेड कोर्स में हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें बट फ्री भी हम काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आप में से काफ़ी लोग कहते हो कि हम पेड कोर्स में काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फ्री भी प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो कि मिलियन प्लस सिटीज़ इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं लिविंग एनवायरनमेंट और ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाउन प्लानिंग को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आप यहाँ देखो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिकली सेटलमेंट ज्योग्राफी में अगर हम रूरल छोड़ दें, अर्बन सेटलमेंट भी नहीं, टाउन प्लानिंग की अगर आप बात करो तो टाउन प्लानिंग में आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। एक तो ये वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटी, दूसरा है प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, लगातार इस चीज़ से क्वेश्चंस पूछता आया है, ठीक है। अगर आप ये 84 का क्वेश्चन देखो कि ज्योग्राफर्स ने क्या किया, ठीक है उसको अगर आप छोड़ भी दो, स्मॉल टाउन्स इंडिया में प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स हैं 17 में ये पूछा, 2018 में इन्होंने पूछा कि NCR के जो टाउन्स हैं उनके प्रॉब्लम पूछ लिए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसके बाद 20 में 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, एक पेपर 1 में एक पेपर 2 में। पेपर 1 में पूछा मिलियन प्लस सिटी की प्रॉब्लम क्या है, कैसे मैनेज करनी है, पेपर 2 में पूछा जनरेटिव एंड पैरासाइट टाउन, यानी कि जो सेकेंडरी टाउन्स हैं उनके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम पेपर 2 में भी डिस्कस करेंगे जब उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस इस तरह से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप रिपीटेड तो बिल्कुल नहीं कह सकते लेकिन ये बुक से है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और यही वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बेस पर मेरे मार्क्स 176 थे या 175 के ऊपर थे, और आप भी अगर 170 के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको ऐसे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे जिनसे आज तक UPSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। थ्योरीज बुक में दी हुई हैं, चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ये डेफिनेटली जब चैप्टर दिया हुआ है इवोल्यूशन में, सॉरी सविंदर सिंह की जो जियोमॉर्फोलॉजी हुआ इवोल्यूशन हेडिंग में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ओशन चैप्टर 5 है सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ही जो स्टैंडर्ड बुक में रह गए हैं, लास्ट ईयर्स में भी यही ट्रेंड है देखा गया है, ठीक है। दो ही ऑप्शन है इन केसेस में आपके पास, या तो आप बुक पढ़ो, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको सिनॉप्सिस IAS फॉलो करने को कहा, यहाँ पर आप पेड कोर्सेज जो आप यहाँ जाके देखोगे यहाँ आप इनको ज्वाइन करो, या फिर फ्री रिसोर्सेज में हम जितना प्रोवाइड करते हैं, बुक समरी डेफिनेटली हम ये आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कब तक UPSC ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन पूछता रहेगा। अगर आप ये देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक से पहले क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन से लगातार देखो, यहाँ पर पहले प्लेट टेक्टोनिक के आर्ग्यूमेंट पूछे हैं, फेवर और अगेंस्ट क्या है, फिर प्लेट टेक्टोनिक बता दो सपोर्ट कैसे करता है, लगातार आप देखो इनसे पूछा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से भी क्वेश्चन पूछा है। ये जो लाइन है देखने में अटपटी लग रही है लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो स्टडीज़ हुई हैं ऑफशोर एकोस्टिक स्टडी ही हुई हैं, तो ये भी बुक का क्वेश्चन है। इसी तरह से इन्होंने सीधे पूछ लिया इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल, तो जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने लिख तो दिया सिर्फ 3 थ्योरी को लेकर, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक प्लेट टेक्टोनिक और एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कहानी है। FB टेलर की थ्योरी है, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है, और जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं
वो आप बुक में देखो, आपको दिखेंगे। ये हमने पेड लेक्चर में, इनफैक्ट एडवांस लेक्चर में लास्ट ईयर पढ़ाया भी था। अब अगला क्वेश्चन है जो 2B, अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन है, इसमें एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग पूछा है, ये रिपीटेड है। रिकवरी है, ये बुक से है, बुक की हेडिंग कोरल रिकवरी, सीधे सीधे टॉपिक दिया है सविंदर सिंह ओशनोग्राफी में। और मैक्रो एल्गल रिजीम शिफ्ट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। मैक्रो एल्गल रिजीम शिफ्ट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड कोरल, जो हार्ड कोरल हैं वो आपकी ख़त्म हो गई, और मैक्रो एल्गाई यानी कि आपको छोटे छोटे जो एल्गाई हैं या सॉफ्ट कोरल्स हैं उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपको नहीं पता तो बेटर है इस 15 को आप 5+5+5 इतने नंबर में रखिए, 5 मार्क्स फॉर ब्लीचिंग, 5 मार्क्स फॉर रिकवरी एंड 5 मार्क्स फॉर दिस। अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये 5 नंबर छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, नहीं तो हाल वही होगा जो मेरे साथ बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी में हुआ था। अगर आपको ये देखना है क्या हाल हुआ था तो स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, ये जो वीडियो है यहाँ पर आपको दिखेगा, इस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आपको मार्कशीट वगैरह देखने, देख लेना बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी, किस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग की कलाओं का यूज़ करके बेहतरीन आंसर्स लिखते हैं यूजलेस, तो ये आपको मिलेगी गाइडेंस सीरीज, इस नाम से सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, मैक्रो एल्गल रिजीम शिफ्ट इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो रिपीटेशन कहाँ है, तो कोरल रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग से लेकर ये क्वेश्चन पूछे हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा था ये क्लाइव विल्किंसन की रिपोर्ट पूछी थी 2014 में, इस बार कोरल ब्लीचिंग पूछ ली, रिकवरी एंड ये, तो ये रिपीटेड है, बट ये 10 नंबर का आप कहोगे रिपीटेड नहीं, बट दिस इज फ्रॉम बुक, तो 5 नंबर का हम कह सकते हैं कि अनअटेम्प्टेबल है, पहला ऐसा क्वेश्चन जो आप बुक से भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो कोरल रीफ में हम जो PhD कर लेते हैं, देखो क्वेश्चंस यही पूछे हैं, 3D की जो थ्योरीज हैं वो पूछी हैं, शॉर्ट नोट पूछा है, या फिर कोरल ब्लीचिंग और रिकवरी, दोनों अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, तो एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो करंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन पूछा है, और उनका सिग्निफिकेंट इन ये क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप पूछा है। तो अगर हम करंट्स देखें, करंट आपको दिखेंगी ओशनोग्राफी में, करंट ये टॉपिक है। अगर आप करंट के क्वेश्चंस देखो तो नॉर्थ अटलांटिक से ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चंस आए, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक पूछा है, ठीक है। सरागासो सी अगर आप देखो तो ये भी अटलांटिक की बात है, यहाँ ओशन करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक डायरेक्टली पूछा है, यहाँ इंडियन ओशन को अटलांटिक से डिफ्रेंशिएट करने की बात की गई है। तो अगर आप ये देखो जो 2006 का क्वेश्चन है यही रिपीटेड है, साथ में जो रोल इन क्लाइमेट चेंज ऑफ वेस्टर्न यूरोप है, ये इनफैक्ट GS से भी आप नॉलेज से लिख सकते हो, फॉग हो गया, वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ कोस्ट हो गया, कोल्ड कोस्ट हो गया, वहाँ पर वेस्टर्लीज में इनका क्या इम्पैक्ट है करंट्स का, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब हम GS में पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऑप्शनल की अगर नॉलेज के बेस पर लिखना है तो सविंदर सिंह और ओशनोग्राफी, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये 3 बुक तो आपको सविंदर सिंह की पढ़ ही लेनी चाहिए, जिनकी डेफिनेटली मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं सिनॉप्सिस को, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट ओशनो एंड बायोजियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये 5 सब्जेक्ट्स की हम समरी डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से पहली समरी आपको इमीडिएटली कुछ दिन में दिख जाएगी। अगला क्वेश्चन है वेरियस फैक्टर्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉनसून सिस्टम इन इंडिया। तो अगर हम मॉनसून के क्वेश्चंस देखें, यहाँ क्लाइमेटोलॉजी में मॉनसून के अगर आप क्वेश्चंस देखो, लगातार आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे। इस बार इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मतलब क्या फैक्टर्स हैं, थ्योरीज वगैरह पूछी है। 18 का क्वेश्चन देख लो, ओरिजिन की बात की है, ठीक है। डेवलपमेंट में ही आप प्रोग्रेस की भी बात कर सकते हो, रिट्रीट की भी बात कर सकते हो, इससे पहले भी नेचर एंड ओरिजिन ऑफ ये पूछ लिया है, ठीक है। 2013 में भी मैकेनिज्म पूछा है, इसके पहले 2008 में भी पूछा है, 6 में भी पूछा है, और पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मॉनसून पढ़ने के लिए आप फॉलो डेफिनेटली माजिद हुसैन या फिर DR खुल्लर, ये बुक्स फॉलो कर सकते हो, बट इन बुक को फॉलो करने के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि आप कहीं ना कहीं GS के लेवल पर चले जाओगे। तो आपको एक चीज़ देखनी, इसके लिए भी जो बेटर बुक है सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी, वो एक बेटर बुक है, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई बुक है और बेस्ट सोर्स है इसके लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, डिफॉरेस्टेशन पर पूछा है, इफेक्ट एंड कॉजेज क्या है और इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखना चाहें तो बायोजियोग्राफी में आपको मिलेगा, बायोटिक रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पेपर 1 में भी है प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेपर 2 में भी डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। यहाँ 88 में पूछा था इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पूछा पैटर्न ऑफ इम्पैक्ट ऑन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है।
और यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही पूछा है, यहाँ इन्होंने इफेक्ट एंड कॉजेस पूछे हैं। तो जीएस में हम ये वनोन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन सब कुछ पढ़ते हैं, बट इसके लिए मैं आपको हाँ हाँ कहूँगा अगर आप जीएस लिख रहे हो। ऐसे क्वेश्चन में 4 नंबर से लेकर 10-12 नंबर तक का स्कोप है। जीएस लिख दोगे तो 3-4 नंबर भी मिल जाएं, और ऑप्शनल की चीज़ें लिख दो, केस स्टडीज़ लिख दो, जो कि सविंदर सिंह इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या बायो ज्योग्राफी के सिर्फ चैप्टर 14 में, इस बुक से सिर्फ चैप्टर 14 इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो चैप्टर इन्वायरमेंटल में भी ठीक ठाक दिया हुआ, बट जब आप ये लिखते हो तो आपके 10-12 नंबर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो एंड यू विल बी गेटिंग दिस बायोजोग्राफी, सबसे पहले यही आपको मिलने वाली है। तो ये भी काइंड ऑफ रिपीटेड, आप डायरेक्टली रिपीट तो नहीं कहोगे, हाफ क्वेश्चन इम्पैक्ट इसको आप रिपीटेड कह सकते हो, बट ये चीज़ न्यू क्वेश्चन है। बट कितना न्यू है, क्या ये अनअटेम्प्टेबल है, नहीं, सीधे बुक से पूछा हुआ है। देन अगला क्वेश्चन पूछा है फीचर्स ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस। क्लाइमेटोलॉजी का ये टॉपिक है, अगर आप देखना चाहो क्लाइमेटोलॉजी में फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस से जो क्वेश्चंस पूछे हैं, सिलेबस की हेडिंग है, यही पूछ लिया। फ्रंटोजेनेसिस जब आप पढ़ते हो तो फ्रंटोलिसिस डेफिनेटली पढ़ोगे, जब वो स्टार्ट होने से लेके ख़त्म होने तक की पूरी साइकिल है। और यहाँ पर वेदर इंस्टेबिलिटी में क्या रोल है, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट है, एक चैप्टर है सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी की बुक में, वहाँ सीधे फ्रंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अगर आपको जीएस के बियॉन्ड नहीं आता तो ऑप्शनल आपको ढंग से पढ़ने की नीड है, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सिलेबस की हेडिंग्स और प्रीवियस ईयर से। सोर्स वही है सविंदर सिंह क्लाइमेटोलॉजी, इसके लिए आपको फॉलो करनी। बाकी सोर्सेज मैंने देखो आपको जो इंडिविजुअल गाइडेंस बनाए हैं यहाँ पर कि क्लाइमेटोलॉजी कैसे तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस क्या है, कैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी तैयार करोगे, कैसे ओशनोग्राफी, अगले लेक्चर भी यूनिट वाइज आएंगे, बट फिर भी आप एग्जाम के लिए तो एक ही बुक फॉलो कर सकते हो ना, तो आप या तो सिनॉप्सिस आईएएस के रिसोर्सेज फॉलो करो, अदरवाइज जो क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मैं आपको नया बना के नहीं दे दूंगा जो आप नहीं कर पाओगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ आपका टाइम बचाता है, इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ काम नहीं होता जो आप खुद से नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन सरफेस, उनके डिफरेंट मेथड टू आइडेंटिफाई। इरोजन सरफेस के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है एंड यहाँ कहीं दिखेगा इरोजन सरफेस। सविंदर सिंह में इरोजन सरफेस और डिनोडेशन क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। अब आप ये जब चैप्टर पढ़ोगे ना, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट, प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफिकेशन में क्या है, इरोजन सरफेस में क्या इश्यूज आते हैं एंड उनके डिफरेंट मेथड, ये आपको मैं बताता हूँ कहाँ से आप तैयार कर सकते हो। ये जो मैंने ज्योग्राफी मॉडल आंसर्स अपलोड किए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करना, ये फाइल ओपन होगी, यहाँ सारे मॉडल आंसर्स हैं। अब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि सर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स क्यों दे दिए, अरे भैया हैंड रिटन नोट्स इसलिए दिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में रियल में उनको लिखना सीखो, मतलब इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते हो, राइट। तो ये चीज़ करके देख लेना, यहाँ जैसे अब आइसोस्टेसिक आंसर आप कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव बेसिस लिखोगे, थ्योरी के 4 पॉइंट लिखोगे, क्रिटिसिज्म लिखोगे, इवैल्यूएशन, एक इवैल्यूएशन ये है जो बच्चे करते हैं जो कि सविंदर सिंह में डायरेक्टली लिखा है, एक इवैल्यूएशन वो है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें दिखेंगी, ऑब्जेक्टिव जो प्रेट का है वही एरी का था। तो इस तरह से बाकी थ्योरीज के बारे में भी कितना कितना पढ़ना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। इरोजन सरफेस वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इस फाइल में अगर आप देखो तो ये ऐसे ही मॉडल आंसर बनाए हुए हैं, मैरीन साइकिल ऑफ इरोजन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, एग्जाम में खत्म, एरिड साइकिल 3 पेज में है खत्म, इस तरह से आप कर सकते हो। तो जो क्लास नोट्स हैं वो एक अलग चीज़ है, बट जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी एक अलग वैल्यू है। पेरिग्लेशियल साइकिल जो एग्जाम में आया था, अगर आप इतनी डेप्थ में टेबल बना के और ये सब चीज़ें सब हेडिंग में लिख के चले जाते हो तो किसकी औकात है कि आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। इरोजन सरफेस की बात करें तो इसी के नोट्स हैं, यहाँ पर आप देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन सरफेस, इसके बाद देखो क्या पूछा, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एक डिफिकल्ट टास्क है, आप ये हेडिंग नोट करो, यही क्वेश्चन पूछा है प्रॉब्लम ऑफ इरोजन सरफेस। तो इसकी प्रॉब्लम यही है कि एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरोजन सरफेस। अगली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स क्या है, ये हैंड रिटन है क्लासरूम नोट्स में टाइप्ड है, तो कुछ अगर आपको लोग कहें कि हैंड रिटन नोट्स क्यों दे दिए तो एटलीस्ट इस चीज़ पर एक बार ध्यान जरूर दे देना। फैक्टर्स ऑफ मॉडिफिकेशन, सविंदर सिंह बुक के ही नोट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी तोप नहीं मारी। और डेटिंग ऑफ इरोजन सरफेस, यही क्वेश्चंस हो सकते थे, फिर इसके बाद डिनोडेशन क्रोनोलॉजी, तो यही क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। कॉन्सेप्ट पूछा है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल यही क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर लोगे। सब दिया है स्टैंडर्ड बुक्स में, क्वेश्चन वहीं से होंगे, वहीं से आएंगे, वहीं से सॉल्व होगा, वहीं से नंबर मिलेंगे। फालतू नोट्स या फालतू कोचिंग के पीछे भागने से
कोई आपके मार्क्स नहीं वाले। आज के टाइम में जो भी कोचिंग आपको कहती है मेरे नोट से आया, वो या तो आपको बुक से दूर भगाने की कोशिश कर रही है या फिर कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश कर रही है। आपको बुक्स के लिए जाना ही पड़ेगा, राइट। और तो ये मॉडल आंसर्स हैं, आप ये डेफिनेटली पढ़ सकते हो इस वाले लिंक पर। अराउंड 80 मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं, बाकी हैंड रिटन के अलावा बाकी मॉडल आंसर्स भी आपको विद टाइम, इनफैक्ट कुछ तो फ्री में ही हम प्रोवाइड कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है, थोड़ा सा जैसे हमने बात की थी कि अगर आप यहाँ पर पास्चर्स से रिप्लेस कर दो फॉरेस्ट वर्ड को, तो फिर आपको ये पता है कि जो दुनिया के मेजर पास्चर या फॉरेस्ट ग्राउंड हैं वो सेमी एरिड एरिया में है। एग्जाम्पल्स भी वहीं से देने हैं, हर अच्छी बुक्स में केस स्टडीज़ दी हुई हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ये क्वेश्चन पूछ यही रहा है कि लैंड यूज और सॉइल टाइप, इनको आप फॉरेज मतलब नेचुरल वेजिटेशन यानी कि सेमी एरिड एरिया में जो भी फॉरेज है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो पास्चर की बात की गई, आप जीएस में ही पढ़ते हो ना, बहुत सारे जो पास्चर ग्राउंड हैं प्रेरी पंपास जितने भी हैं, तो उनकी बात की गई है, तो वही आपको लिखने थे। उनकी जो फॉरेज क्वालिटी क्वान्टिटी सब आपको पता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो ह्यूमन रिस्पॉन्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ऐसे देखो, क्वेश्चन ये है हैजार्ड एंड डिजास्टर इन इंडिया, इनको लेकर ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या है, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू दिस एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस। तो 7.5 नंबर के ये क्वेश्चन आप मान सकते, दोनों पार्ट आप 7.5 का मान सकते हो। इन्वायरमेंटल हैजार्ड से अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा कि ह्यूमन रिस्पॉन्स ये वाला, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल हैजार्ड अगेन, जैसे कि मैंने कहा सविंदर सिंह बुक में 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये नया क्वेश्चन तो दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अनअटेम्प्टेबल है। तो अगर हम इन जनरल पेपर की बात करें तो स्टैंडर्ड सोर्सेस से है, प्रीवियस ईयर का रिपीटेशन भी अच्छा खासा है, बट बुक से न्यू क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं। तो जो हमारी ये एक बेसिक पोस्टुलेट है कि ऑप्शनल इक्वल टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस स्टैंडर्ड बुक्स यानी कि सिलेबस से ही आप स्टैंडर्ड बुक सिलेबस, तो प्रीवियस ईयर प्लस सिलेबस अगर आप स्टैंडर्ड बुक से करके जाते हो, नॉट इवन 2 स्टैंडर्ड बुक भी आप छोड़ दो, एक एक बुक भी आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली दूसरों से आप बहुत आगे निकल सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में सेक्शन बी में। वहाँ भी अगर आप देखो क्वेश्चन तो फूड सिक्योरिटी, सीरियस लेबर हेडिंग पूछी हुई है, एनर्जी क्राइसिस रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, ये एक टर्म न्यू पूछी है मोबिलिटी क्या होती है, लेकिन आप जीएस में पढ़ते हो तो ये आपको पता होनी चाहिए मोबिलिटी और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस रूरल अर्बन, ठीक है, सीधे सीधे थ्योरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, स्पेस इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन सीधे ये थ्योरीज के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो, रिपीटेड तो नहीं है लेकिन बुक से है। वॉन थुनेन की प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लगातार हमने देखा, मॉडल से प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पूछा है, ठीक है। माल्थस एंड न्यू माल्थस थ्योरी, ठीक है, ये आप कर सकते हो, रूपा मेड सिंपल से सॉल्व, पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्स उसी बुक से उठाया गया, सविंदर सिंह से या माजिद हुसैन से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। लैंड डिग्रेडेशन सीधे सिलेबस की हेडिंग है, फ्रंटियर रिप्लेस्ड बाय बाउंड्रीज लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं, वही क्वेश्चन ये पूछ लिया है। देन अर्बन रेजिलियंस, नाम रेजिलियंस रख दिया लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज से क्वेश्चन पूछा है, जो अभी हमने टॉपिक देखा था। इंडस्ट्रियल लोकेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, किस तरह से उनकी डायनेमिक्स चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको 8 थ्योरीज पढ़ाई थी 40-45 मिनट में एग्जाम के लिए, वहाँ ये सब बताया था कि इंडिया में किस सिटी में कैसी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज चलती है। इसके लिए आपको रूपा मेड सिंपल से ही कर पाओगे, माजिद और खुल्लर से कुछ नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से तो फालतू बुक है। जेंडर इक्वलिटी इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट में जेंडर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली इक्विटी को लेकर पहली बार क्वेश्चन पूछा लेकिन इक्वालिटी को लेकर पूछे। मैकिंडर ने पिवट एरिया को कैसे मॉडिफाई किया, पहले से ये क्वेश्चन है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं है, लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। फर्टिलिटी डिक्लाइन सोशल डीटीटी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का क्वेश्चन है। ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है, मैन एंड एनवायरनमेंट इसका क्वेश्चन है ये, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखो तो पूरा पेपर अटेम्प्टेबल है, और अगर मैं आपकी जगह हूँ तो पेपर 1 सेक्शन ए में अगेन मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। अगर आपको आज के टाइम में 150 प्लस जाना है, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, लेकिन अगर आपको लगता है कि हेजी सिचुएशन है, ठीक है, तो आप 140 के आसपास टारगेट ले सकते हो, तो फिर फिजिकल के बदले आप ह्यूमन ज्योग्राफी को ज़्यादा वैल्यू दो।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मेरा नाम है कृष्णा और ये था एवरीथिंग फ्रॉम सिनॉप्सिस आईएएस। और यहाँ पर हम और भी कोर्सेज, अगर आप देखो स्पेशल कोर्सेज, ऑप्शनल्स एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हो वेबसाइट विजिट करके।